जहर पिया और दो दिन हॉस्पिटल में थे। हम लोग गए थे, ये सब पुलिस हमारे को बताने के बाद हमारे समिति तरफ से 3 लाख रुपए दिए, वो दवाखाने खर्चा बोल के हम लोग वो दिए केबीएन हॉस्पिटल में। के बाद उसके सर्कल उन्होंने आके बताया कि तू एक हाथ भी नहीं लगाए और इसको हमारे पास रात भर रखा नहीं, कुछ नहीं, ये अपना आप कुछ टेंशन में आके जहर पिया, हमारा कुछ गलती नहीं बोलने के बाद हम लोग चुप बैठे। लेकिन बाद में जो बीजेपी लोग आके इनको बहकाया, इनके साथ व्यवहार किया बीजेपी लोग, व्यवहार करने के बाद ये लोग धरना चालू करे, धरना चालू करके हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर प्रियंका खड़गे साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहे, घड़ी घड़ी उनके नाम से एक लफ्ज में बात कर रहे। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। आज के दिन जो गुलबर्गा में प्रोसेस चल रहे हैं वहाँ पर धरना बैठे हुए लोग, जो कलगुर्ती, जो कलगुर्ती ग्राम के उस गांव के एक देवानंद बोल के दो जहर पी के डेथ हो गया, उसके लिए कुछ लोग समन्वय समिति बोलकर यहाँ पर गुलबर्गा में वो मरने के बाद 2-3 महीने के बाद यहाँ पर धरना चालू किया कुछ लोगों ने। जो जहर पिया था उस दिन हमारे संगठन के हम लोग गए थे, हमारे शिवधनी रामली नाटेकर, भीमशा खन्ना, पिंटू जमादार, शिव यागापुर, देवेंद्र जमादार, हम सब लोग, हमारे बसुराज महेश, हम सब लोग उस दिन जाके वो मसला हल करे। हमारे समिति के तरफ से उनको 3 लाख रुपए दिए, वो जहर पिया क्यों पिया बोल के हम पूरा पुलिस में रिकॉर्ड देखे तो जो गांव में एक लड़की दूसरे लड़के के साथ भाग गई, वो लड़की भाग गए ना उसको ये जो देवानंद है यही सपोर्ट किया और इसका कॉल रिकॉर्ड निकाले तो 43 बार उसके साथ बात किया इन्हें। लास्ट कॉल किसका है पुलिस चेक करे, इसका ही है, इसको बुलाए स्टेशन फोन करके इसको इंक्वायरी करे। सिर्फ 1 घंटा देवानंद और उसका पिताजी गए, 1 घंटा में इंक्वायरी करे वो कहाँ है, कहाँ रहते, हमारे को मैसेज देने के लिए बोले, वो बाद में आके उसको क्या कौन से क्या क्या हरकत की है क्या किए उसको मालूम। जहर पिया और 2 दिन हॉस्पिटल में थे, हम लोग गए थे, ये सब पुलिस हमारे को बताने के बाद हमारे समिति तरफ से 3 लाख रुपए दिए, वो दवाखाने खर्चा बोल के, दवाखाने का बिल भरने का ये नहीं था इनको, हम लोग वो दिए केबीएन हॉस्पिटल में। उसके बाद जो हमारे समाज के कोली समाज के डीएसपी के बसुराज और कोली समाज के सर्कल हमारा कमान बनी, उन्होंने आके बताया कि ये लिस्ट साथ में लेके आए, इसको एक हाथ भी नहीं लगाए और इसको हमारे पास रात भर रखा नहीं, कुछ नहीं, ये अपना आप कुछ टेंशन में आके जहर पिया, हमारा कुछ गलती नहीं बोलने के बाद हम लोग चुप बैठे। ये होने के बाद उस टाइम में ये जो अब धरना बैठे एक भी बंदा उधर आया नहीं, जहर पिया था उधर एक बंदा पता नहीं था। लेकिन बाद में जो बीजेपी लोग आके इनको बहकाया, इनके साथ व्यवहार किया बीजेपी लोग, व्यवहार करने के बाद ये लोग धरना चालू करे, धरना चालू करके हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर प्रियंका खड़गे साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, घड़ी घड़ी उनके नाम से गाली दे रहे, एक लफ्ज में बात कर रहे। जो हम उस टाइम में थे, जो हम प्रियंका खड़गे साहब के साथ में रहते तो हमारे को भी वो उल्टा सीधा बोलते लोग, वो मोबाइल में छोड़ रहे। ये पूरा फेक केस के पीछे लग के ये बीजेपी के लोगों के साथ व्यवहार करके यहाँ पर चलने वाला धरनी ये बिल्कुल नाइंसाफी है, इंसाफ नहीं है। ये इसलिए हम आज ये बोलना चाहते हैं, कोई धरना करने वाले उसको सच्चाई रहना, उसमें सच्चाई रहना, सच्चाई रहे तो उसके साथ में लोग आते हैं। हमारे गुलबर में रहने वाले कोली समाज के लोग बहुत विचार करके सोच के ये लोगों को सपोर्ट नहीं किया तो इनका गांड जल रही है, ये लोग हर लोगों को इल्ज़ाम लगा रही है, ये बिल्कुल गलत है, ये बीजेपी का तरफ से होना बोल के कर रहे हैं। आज सरकार ने CID में दिया केस, इसमें CID तनिका करते, उसका रिपोर्ट देते, वो खुलासा होता, लेकिन ये लोग बिना कांग्रेस पार्टी जो प्रियंका खड़गे साहब का इल्ज़ाम लगाने के वास्ते होराट कर रहे, जो
आत्महत्या किया उसका वो परिहार देने के लिए, उसको एक इंसाफ देने के लिए ये होराट नहीं है, खाली दूसरे के ऊपर आरोप करने के लिए बीजेपी लोगों के साथ व्यवहार करके ये होराट चल रहे बोल के हम आपको बोलते। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga.